बेटा ये कितने के हैं जूते? अंकल जी ये जूते 6,000 के हैं। 6,000? जी अंकल जी, महंगे तो हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 2,000 ही हैं। अच्छा पापा, फिर एक काम करते हैं, बाहर से फिलहाल के लिए सस्ते वाले जूते खरीद लेते हैं, ये फिर कभी खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। अरे नहीं बेटा नहीं, मैं अभी जाता हूँ एटीएम से पैसे निकलवा के लाता हूँ। अरे पापा एक काम कीजिए ना, एटीएम मुझे दे दीजिए, मैं निकलवा लाती हूँ पैसे। नहीं नहीं बेटा, तूने इतनी मुश्किल से मुझे एटीएम चलाना सिखाया है, तो मुझे भी तो अच्छे से आना चाहिए ना। तू यहीं रुक, मैं अभी गया और अभी पैसे लेके आता हूँ। ठीक है पापा। हेलो, राम राम बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया खेम जी, आप बताइए। बाबूजी मैं ना अपनी बेटी को जूते दिलवाने आया था, 6,000 के जूते हैं। मैं बस ये कह रहा था कि मेरी तनख्वाह अगर आप जल्दी दे देते तो। यार क्या तुम लोगों के चोचले, ये सब खत्म नहीं होता तुम्हारा। शौक तुम्हारे अमीरों जैसे हो, एक नंबर के गरीब। 8,000 सैलरी है, उसमें से 6,000 के जूते दिलवाएगा अपनी बेटी को? बाबूजी मुझे पता है कि हमारी औकात नहीं है 6,000 के जूते पहनने की, पर बाबूजी मेरी बेटी ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बेटी ना देश का नाम रोशन करेगी और देश के लिए एक दिन मेडल लेके आएगी, बस इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे भिकमंगे कब से देश के लिए मेडल लेके आने लगे? मैं कोई एडवांस नहीं देने वाला, क्या भरोसा तुम लोगों का? पैसे लेने के बाद दोबारा वापिस ही ना हो। अरे नहीं नहीं बाबूजी, हमने आपका नमक खाया है, आपको धोखा कभी नहीं देंगे, कभी आपकी नौकरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, बस ये तो थोड़ी पैसों की जरूरत थी इसीलिए। मेरी इस समय क्लोजिंग चल रही है। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकता, तुम किसी और से जाके मांग लो। अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए, मैंने हमेशा इनका काम ईमानदारी से किया, कभी इनके काम पे काम चोरी नहीं की, पर मुसीबत के वक्त इन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया। पापा मुझे कोई जूते नहीं खरीदने, मुझे इतने महंगे जूतों की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ना ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। बेटा तू बाहर क्यों आई? पापा जब आपने अंदर बोला कि आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए जा रहे हो, मुझे तभी शक हो गया था कि आपके पास पैसे नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। पापा देखा ना आपने, आपने अपने मालिक से बात की तो उन्होंने कैसे बेइज्जत किया आपको, मैं आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ पापा, मुझे नहीं चाहिए महंगे जूते, मैं भी कितनी पागल हूँ कि महंगे जूतों के लिए इज्जत कर रही थी। पापा स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाने के लिए ना महंगे जूतों की जरूरत नहीं होती, बल्कि हिम्मत और बहादुरी की जरूरत होती है, और वो आपकी बेटी के अंदर ना कोट कोट के भरी है, मैं भी कितनी बच्चियों कैसे इज्जत कर रही थी। पापा देखना मैं स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल भी लेकर आऊंगी, एक अच्छी नौकरी भी होगी मेरे पास, और आपका नाम ना बहुत रोशन करूंगी मैं, प्रॉमिस। और उन सब चीजों के लिए मुझे महंगे जूतों की जरूरत नहीं है पापा, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे बस। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, पर कोई ना मैं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तुझे यही जूते लेना यही लेके दूंगा। नहीं पापा मैंने कहा ना मुझे इन महंगे जूतों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जो जूते हैं मैं उन्हीं में काम चला लूंगी, चलिए आप यहाँ से। ये आपके जूते? सर हमने कोई जूते नहीं खरीदे। मुझे पता है मैम कि आपने जूते खरीदे नहीं है, लेकिन आपको ये जूते पसंद तो थे ना, तो ये लीजिए। पर सर हमने कोई पेमेंट की नहीं है जूतों की, तो आप जूते कैसे दे सकते हो हमें? मैम जब आपके पापा एटीएम का बहाना लगा के बाहर निकले ना, और उनके पीछे पीछे आप निकली, तो शक तो मुझे तभी हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और शायद मैम आपने अपने पापा के जूते देखे नहीं, लेकिन मेरा ध्यान चला गया था, आपके पापा के जूते फटे हुए हैं, तभी मैं समझ गया था कि हो ना हो शायद इनके पास पैसे नहीं है आपको इतने महंगे जूते दिलवाने के लिए, बस यही असली बात जानने के लिए मैं बाहर आया, और बाहर आके मैंने देखा कि अंकल कैसे अपने मालिक के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, आपको जूते दिलवाने के लिए पैसे मांग रहे थे, लेकिन वो इनकी बेइज्जती करे जा रहा था, तब मैंने देखा। मुझे ये बात जान के ना बहुत खुशी हुई कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ कर रहा है, एक उसको जूते दिलाने के लिए। और मैम आप अपने देश के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं ताकि देश का नाम आगे बढ़ा सके, देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सके। मैम आप लड़कियों के लिए ना एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। देखिए मैम आप हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, तो बदले में हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तो बस इस जूते के पैसे ना मैंने दे दिए, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, इसे लीजिए। बेटा तो हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? देखिए सर मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके साथ साथ इस देश के लिए भी कर रहा हूँ, भगवान की दया से मैं इस शोरूम का मैनेजर हूँ और मेरी अच्छी खासी सैलरी है, हर महीने मैं कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करता हूँ, इस महीने अगर मुझे इस देश की स्पोर्ट्स वुमेन के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। प्लीज मैम आप ये जूते रखिए और हमारे देश का नाम जरूर रोशन करिए, खूब मेहनत करिए और हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आइए। मैं चलता हूँ, शुक्रिया। थैंक यू।
बेटा किसने ना सच क्या है क्या खुदा जिसका कोई नहीं होता ना उसका तू होता है। दोस्तों माँ बाप का प्यार भी कितना सच्चा होता है ना। खुद भले कितनी भी परेशानियों में जूझ रहे हो लेकिन अपने बच्चों की खुशियों पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। किसी ने सच कहा है भगवान खुद धरती पर नहीं आ सकते इसलिए उन्होंने माँ बाप को भेजा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।